ओके तुम जी ओके क्या मेरा फोन तो हैंग हो गया लेकिन इन्हें तिवारी जी नहीं बनाते रुको अभी लो और कैसा लग रहा है अरे सर मैं नहीं हूँ एक्चुअली ये सीन ऐसा है कि हम श्रद्धा को मजे उसकी मजे लेने के लिए कुछ उसे कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसका उसके बहुत गुस्सा आता है और वो आइस बाहर फेंक देती है जिसमें हम स्लिप होके सीधा गोबर में गिर जाते हैं। हम लोग ये हालत हो जाती है। हम लोग उसके ड्रेसिंग को काम वाले के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको ना गुस्सा आता है। माने वो हमें सबक सिखाने के लिए वो जूस में से बर्फ उठा के और फेंकती है जिससे मेरा पैर स्लिप होता है और मैं इसको लेके ना गोबर मुझे भी साथ में लेके गिर जाती है। मतलब ये है कि शेर को सवा शेर मिल गया। भाई अब गिरने के बाद और कौन से सीक्वेंस याद रहेंगे? हमको तो बोला गया था कि आटा होगा बट लिटरली आटा रियल गोबर है। यू कैन स्मेल इट। तो ये तरीका सही है बदला लेने का? हाँ एक्चुअली हम लोग ने थपकी को बहुत तंग किया था तो हाँ ये कर दिया उसको बहुत सही चीजें की तो अब हमें सवा शेर मिला है। अब हम जो इसके साथ करेंगे हमको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा ऐसा लग रहा है। कितने दिन से शो कर रहे हैं? ये सबसे चैलेंजिंग आपको सीक्वेंस है ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी डिस्गस्टिंग। वेरी डिस्गस्टिंग हमको घर पे भी नहीं भेज रहे इतना गंदा होने के बावजूद। आपने कभी पहले गोबर किया है कहीं गिरे बचपन?
हाँ नहीं, मैंने एक फिल्म में किया था, मेरी पहली फिल्म थी जिसने मुझे मट्टी का पूरा बनाया था इधर मड में, और मुझे पूरा गिराया था और मुझे बोला गया था यहाँ पे लोग सुसु करते हैं, यहाँ पे लोग पॉटी करते हैं, एंड डिस्गस्टिंग, मुझे वॉमिट हो गई थी और अभी भी वही फीलिंग आती है। ये वाला ज्यादा बेटर था क्योंकि इसमें रियल गोबर मिक्स है। और आगे का टर्न आउट देखने को मिलेगा आगे यही मिलेगा कि हम लोग कुछ ना कुछ वैसा करने की कोशिश करेंगे उसके साथ, अब हम भी बदला लेंगे तो वो भी बदला चलता रहेगा, हम उसके कुछ करेंगे, वो हमें जवाब देगी, फिर हम कुछ करेंगे। आई थिंक हो सकता है क्योंकि अभी वी नेवर नो, क्योंकि हो सकता है थपकी के लिए हम पॉजिटिव हो जाएं।